हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। ये है हीरो की एक्स प्लस 200T। इस बाइक को आप कम्यूटर एज वेल एज एडवेंचर टूरर बाइक भी कह सकते हैं। इस बाइक में आपको हैंडलिंग एंड कंफर्ट काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। इसकी अगर वेट की बात की जाए तो इसमें आपको 154 kg का कर्व वेट देखने को मिल जाता है, जिससे कि आप इसको आराम से संभाल सकते हैं। इसमें आपको 800mm की सीट हाइट देखने को मिल जाती है, जिससे कि आप अगर 5 फुट 2 इंच या 3 इंच के हैं तो भी इसको आप आराम से हैंडल कर सकते हैं। इसमें आपको 178mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, जिससे कि आप इसको मिड रेंज की ऑफ रोड पर आराम से ले जा सकते हैं। इस बाइक में आपको हाई कंफर्ट के साथ लो मेंटेनेंस एंड लो प्राइसिंग देखने को मिल जाती है। इसकी अगर प्राइसिंग की बात करें तो इसकी लखनऊ में एक्स शोरूम प्राइस करीब आपकी 1,24,396 पड़ जाती है। RTO और इंश्योरेंस वगैरह जोड़ करके आप इसको करीब 1,47,000 रुपए दे करके अपने घर ले जा सकते हैं। आप अगर इसको EMI पे लेना चाहते हैं तो मिनिमम डाउन पेमेंट आप 8,000 रुपए दे करके इसको अपने घर ले जा सकते हैं। बट याद रखिएगा, डाउन पेमेंट आप जितना ज्यादा देते हैं मंथली EMI एंड एक्स्ट्रा रुपीज आपको उतने ही कम देना होगा। एंड इसके फीचर्स की बात करें तो इसके फ्रंट में आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ LED DRL हेडलाइट देखने को मिल जाती है। साइड में आपको फुल्ली फ्लेक्सिबल हेलोजन इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं। ट्यूब वाले रेडिकल टायर देखने को मिल जाता है। ब्लैक ग्लॉसी मेडिगार्ड आपको इसमें देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर टाइप का सस्पेंशन मिल जाता है। 37mm का 276mm की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, सिंगल चैनल ABS के साथ। ब्लैक अलॉय व्हील देखने को मिल जाता है। इसका फ्रंट लुक काफी देखने में अच्छा लगता है, दूर से देखने में काफी प्रीमियम लुक देती है ये बाइक। इसके अगर मीटर कंसोल की बात की जाए तो इसमें आपको हाईटेक डिजिटल मीटर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको ब्लूटूथ, नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट, USB पोर्ट, क्लॉक, इसमें स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर एंड टैकोमीटर आपको डिजिटल देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरीके की यहाँ पर आपको इसके की लोकेशन देखने को मिल जाती है इसके हैंडल के जस्ट ऊपर। एंड अगर हम इसके स्विचेस की बात करें तो लेफ्ट में आपको यहाँ पर लो बीम हाई बीम का स्विच देखने को मिल जाता है। उसके नीचे लेफ्ट ऑन इंडिकेटर्स एंड नीचे सिंगल हॉर्न का स्विच आपको देखने को मिल जाता है। एंड अगर इसके राइट स्विचेस की बात की जाए तो यहाँ पर आपको इंजन क्विल इसकी स्विच का देखने को मिल जाता है। एंड उसके नीचे आपको पावर स्टार्ट का यहाँ पर स्विच देखने को मिल जाता है। एंड अगर इसके टैंक की बात की जाए तो इसमें आपको कुछ इस तरीके का ब्लैक ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ 13 लीटर का मस्कुलर टैंक देखने को मिल जाता है, जिसपे यहाँ पर आपको हीरो एक्स प्लस से ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है व्हाइट कलर से, जो कि इसको काफी प्रीमियम लुक देती है। एंड यहाँ पर आपको कुछ तरीके का ऑयल ओपनर का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसमें साइड में कुछ तरीके की आपको डिजाइन देखने को मिल जाती है। करीब 40 से 42 के माइलेज के हिसाब से इसमें आपको काफी अच्छा टाइम देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके की डिजाइन के साथ इसमें आपको सिंगल सीट देखने को मिलती है, जिसमें गुड क्वालिटी कुशंस यूज किए गए। इसमें पिलियन एंड राइडर दोनों के लिए ही काफी अच्छी खासी स्पेस आपको देखने को मिल जाती है। एंड पीछे पिलियन की ग्रिप के लिए इसमें कुछ इस तरीके का इसमें आपको ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है, जिसपे यहाँ पर आपकी रबड़ मिल जाती है, इससे आप अगर कुछ सामान वगैरह रखेंगे तो ये फिसलेगा नहीं। एंड यहाँ नीचे इसके ग्लॉसी ब्लैक पैनल पे आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पर 200T से ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है व्हाइट कलर में। कुछ इस तरीके की डिजाइन वाला इसमें आपको सीट काउल देखने को मिल जाता है, जिसपे यहाँ एंड यहाँ पर आपको दो नट्स देखने को मिल जाते हैं। इस बाइक में आपको 199.6cc का BSVI ऑयल कूल टू वॉल्व BS6 इंजन देखने को मिल जाता है, जिसपे यहाँ पर आपको हीरो की बैचिंग देखने को मिल जाती है। इसके पावर एंड टॉर्क की बात करें तो इसमें मैक्सिमम पावर आपका जो है 17.83 BHP एट 8000 RPM पर आपको मिल जाता है। एंड इसका मैक्सिमम टॉर्क आपको 16.15 Nm एट 6500 RPM पर देखने को मिल जाता है। प्राइसिंग के हिसाब से इसमें आपको काफी अच्छा पावर एंड टॉर्क देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको प्रीमियम क्वालिटी का रेडिएटर देखने को मिलता है। इसके इंजन में आपको कई कलर देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इसका हेड आपको सिल्वर कलर में देखने को मिल जाता है, मिड में ब्लैक एंड सबसे नीचे आपको सिल्वर ग्रे कलर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी प्रीमियम लगता है देखने में। इस बाइक में आपको 5-speed मैनुअल गियर देखने को मिल जाते हैं। प्रीमियम क्वालिटी के नॉन फोल्डेबल फुटेज आपको मिल जाते हैं। डबल स्टैंड साइड स्टैंड कंपनी प्रोवाइड करते हैं विद सेंसर। रियर में कुछ तरीके का फोल्डेबल फुटेज आपको देखने को मिल जाता है प्रीमियम क्वालिटी का। कुछ इस तरीके की डिजाइन वाला इसमें आपको ओपन चैन कवर देखने को मिल जाता है। इसकी चैन नीचे से नैक ढी रहने वाली है। 400 से 500 किलोमीटर पर इसकी लॉन्ग लाइफ एंड इसकी जो बेटर परफॉर्मेंस के लिए इसको आपको साफ करते रहना होगा। कुछ इस तरीके की डिजाइन वाला इसमें साड़ी गार्ड आपको कंपनी से फिटेड मिलता है। इसके रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर टाइप के सस्पेंशन आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक प्रीमियम क्वालिटी के सस्पेंशन माने जाते हैं, जो आपकी राइड को काफी हद तक स्मूथ बना देंगे। मड प्रोटेक्शन के लिए कुछ इस तरीके का मड गार्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसके रियर में कुछ इस तरीके की डिजाइन वाली LED टेल लाइट आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ नीचे फुल्ली फ्लेक्सिबल हेलोजन इंडिकेटर यूज किए गए हैं। इस पे यहाँ पर आपको हीरो की बैचिंग देखने को मिल जाती है टेल लाइट के नीचे। उसके नीचे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है रेड कलर का, जिसके ऊपर आपको एक यहाँ पर लाइट देखने को मिल जाती है नंबर प्लेट के लिए। इसके अगर रियर टायर की बात की जाए तो इसमें आपको 427mm का कुछ इस तरीके का ब्लैक अलॉय व्हील देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 130 सेगमेंट का ट्यूब वाला टायर देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको कुछ तरीके की ग्रिप देखने को
मिल जाती है। इसके रेयर में भी डिस्क ब्रेक का यूज किया गया है, जिसमें आपको 220 mm की डिस्क प्लेट देखने को मिल जाती है विद द गुड क्वालिटी कैलिपर। कुल मिलाकर इसमें आपको काफी अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरीके की डिजाइन वाला इसमें एग्जॉस्ट आपको देखने को मिल जाता है। कंपनी ने सेम एग्जॉस्ट अपनी एक और बाइक में यूज किया है, वो कौन सी बाइक है आप कमेंट करके बताइए। एंड इसके ऊपर यहाँ पर आपको कुछ तरीके का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको मेटल की प्लेट मिलने वाली है। ये एग्जॉस्ट इसकी रियर प्रोफाइल को एक तरीके से बोल सकते हैं, इसकी पूरी साइड प्रोफाइल को ही काफी प्रीमियम लुक देता है दूर से। इसमें आपको किक स्टार्ट का भी फीचर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हीरो की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है एंड यहाँ पर आपको स्पार्क प्लग देखने को मिलता है। इसके फ्रंट में आपको नॉन फोल्डेबल फुटरेस्ट के साथ कुछ इस तरीके का यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी का ब्रेक पैड देखने को मिल जाता है ब्लैक कलर का। एंड यहाँ पर आपको BS6 के इंजन की पहचान वाला कुछ इस तरीके का लाइट गोल्डन कलर में आपको कैटलेटिक कन्वर्टर देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर आपको हीट से बचने के लिए एक प्रोटेक्शन लेयर भी देखने को मिलेगी। इस बाइक में काफी प्रीमियम क्वालिटी के एसेसरीज यूज की गई है। इस बाइक को आप न केवल एडवेंचर टूरर बाइक की तरह बल्कि आप इसको कम्यूटर बाइक की तरह भी यूज कर सकते हैं। आप इससे सारे घरेलू काम आराम से कर सकते हैं। तो आप अगर ये लेना चाहते हैं तो बिल्कुल बेझिझक आप ले सकते हैं। सो उम्मीद है इस वीडियो के जरिए मैंने आप तक अच्छी खासी जानकारी पहुंचा दी हो। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ना मन हो तो ना करें कोई बात नहीं, बट मैं इस चैनल पे इस तरह की और भी रिव्यू वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो आप जाकर के देख सकते हैं। वहां पर से आप जाकर के सेलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन सी बाइक लेनी है कौन सी नहीं लेनी है, वहां से आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि पहले जान लेना चाहिए किसी चीज के बारे में तब लेना चाहिए। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड सेफ राइड।